HCHQ और DHQ में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और पंजाब में जो दुखी इंसानियत के लायक है और वो पौधा जो PHMA की कोशिश से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लगाया था, मैं उसके आबकार साहब की मौजूदगी में ये भी गुजारिश करना चाहूँगा। जिला अटक के अहदे के लिए मुंतखब किया गया है अल्लाह जीए के नस्वलैन के तकमील को अपना फर्ज अवलीन समझूंगा। मैं बंदी करूंगा, मैं AHDA तरीका इलाज की बेहतरी और फरोग में अपना हर मुमकिन किरदार अदा करूंगा और कोई भी ऐसा फेल नहीं करूंगा जिससे मेरे प्रोफेशन की बदनामी हो। मैं अल्लाह ताला मुझे इस ऐद को वफा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंसान ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते अख्तियार किए। इंसान अखबारों में रहता था, इंसान पैदल सफ़र किया करते थे, आज गाड़ियाँ मुहैया हैं आपके लिए और आज का इंसान आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और उधर से समुंदर के नीचे से रास्ते निकाल रहा है। शुरू हुआ और उस जमाने में जब अभी एलोपैथी का या होम्योपैथी का कोई तसव्वुर नहीं था तो हकीम उस जमाने के जड़ी बूटियों से दवाइयां खुद बनाते थे, मरीजों का नबज से उसकी बीमारी का अंदाज़ा करते थे, इलाज को आसान कर दिया। एक वो वक्त भी था कि खुदा का खास्ता अगर किसी शख्स का दांत निकाला जाता था तो उसको चार आदमी पकड़ते थे और इस तरीके से उसका दांत जो है वो ज़बरदस्ती निकाला जाता था। होम्योपैथिक इलाज के मुतल्लिक जो मेरी अपनी ज़ाती मालूमात हैं या कुछ तजर्बात भी हैं कि अगर इसको तशखीस करने वाले डॉक्टर भी हैं, आजकल अगर आप एलोपैथी की कोई मेडिसिन लेना चाहें तो वो अगर 500 की आती है तो इनकी मेडिसिन 50 रुपये में मिल जाती है, तो उसके भी बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। लेकिन आपका होम्योपैथिक इलाज ऐसा है कि जिसके कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते और ये कारगर सफल होता है। बल्कि मेरे ज़ाती बहुत से डॉक्टर्स ऐसे दोस्त हैं कि जो खुद तो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं लेकिन इलाज जो है वो अपना होम्योपैथिक से करते हैं। ज़रूर है लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर डॉक्टर सिद्ध के दिल से खिदमत करना चाहे तो ये इबादत से, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक अच्छा नोबल प्रोफेशन है डॉक्टर्स का। और अगर डॉक्टर भी हो